लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बारिश के लिए करना होगा इंतजार, 7 अगस्त को फिर से होगी झमाझम बारिश भोपाल। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश रुकी हुई है। जुलाई माह में जहां एक और कुछ दिन तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, वहीं बीते 4 दिनों से बारिश की रफ्तार रुकी हुई है। अगर साल 2018 की बात करें तो प्रदेश में अब तक 18.65 इंच पानी बरस चुका है। अगस्त महीने में सिर्फ 16.10 इंच बारिश की जरूरत है। अगर आने वाले दिनों में बारिश हो जाती है तो इससे किसानों को भी लाभ होगा। वहीं मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते में तेज बारिश के आसार नहीं है। इसका कारण यह है कि आसपास के क्षेत्रों में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन रहा है जो तेज बारिश करा सके। मानसून सिस्टम नहीं है सक्रिय। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश का दौर थमने के बाद मानसून सिस्टम उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कई जिलों में बीते 2 दिन तेज बारिश हो रही है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो आने वाली 7 तारीख को एक बार फिर से मानसून सिस्टम सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी मानसून अम्बाला, बरेली, गाजीपुर, पूर्विया होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून द्रोणिका से संबद्ध एक कम दबाव के क्षेत्र के कारण यहां पर बीते 5 दिनों से तेज बारिश हो रही है। ये है बारिश का आंकड़ा मध्य प्रदेश में। अगर बारिश के आंकड़े की बात की जाए तो अब तक यहां पर 18.65 इंच बारिश हो चुकी है, जिसमें अगर जुलाई माह की बात करें तो 14.11 इंच बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगस्त माह में 14.4 दिन पानी बरसना चाहिए। वहीं गरज चमक की स्थिति की बात करें तो 5.7 दिन गरज चमक वाली स्थिति बनना चाहिए। बीते साल अगस्त महीने की बात करें तो 5.04 इंच बारिश हुई थी। रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2006 में अगस्त के महीने में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11.66 इंच पानी बरसा था।